नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज सेंट्रल एकेडमी स्कूल अजमेर में 68वीं जिला राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। चार दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह स्वामी ग्रुप के सीएमडी गौर प्रकाश कृष्णानी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गयी। इस प्रतियोगिता का समापन चार दिन पश्चात किया जाएगा, जिसमें विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। सेंट्रल एकेडमी स्कूल अजमेर में 68वीं जिला राइफल शूटिंग चैंपियन का उद्घाटन आज बड़े उत्साह और उमंग के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमल प्रकाश कृष्णानी ने दीप प्रज्वलित कर इस चार दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कुल 120 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से शीर्ष तीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किए जाएंगे। एनएसजी कमांडर निर्मल सिंह राठौर ने प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने और राइफल शूटिंग जैसे खेल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य अतिथि कृष्णानी ने अपने संबोधन में शिक्षा के साथ खेलों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि इस खेल को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। प्रतियोगिता की शुरुआत ध्वजारोहण और शपथ ग्रहण समारोह से हुई, जिसमें प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कई प्रेरणादायक विचार साझा किए गए। चार दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन समारोह चार दिन बाद होगा, जहाँ विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सेंट्रल एकेडमी स्कूल अजमेर 68वीं डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप, ये 4 डेज की है यहाँ पे और आज से स्टार्ट है। और इस टूर्नामेंट के अंदर पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के 100 से 120 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और बढ़ चढ़ के और मेहनत से लगन से करेंगे। और इसमें जो 3 बेस्ट होंगे शूटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइफल एंड पिस्टल, वुमेन और मैंस, इनमें से टोटल बच्चे हमारे स्टेट के लिए डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन होके स्टेट के लिए जाएंगे। और मैं एनर्जी कमांडो निर्मल सिंह राठौर, सेंट्रल एकेडमी स्कूल में हम ये आयोजन करवा रहे हैं शूटिंग का, तो इसमें हमारे अजमेर की हम शोभा बढ़ाएंगे और अजमेर से अच्छे शूटर यहाँ से सिलेक्शन करके और डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए हम आगे भेजेंगे। और हमारे यहाँ से अजमेर से हम यही कामना करते हैं कि अजमेर के शूटर स्टेट से नेशनल और इंटरनेशनल आगे जाए। जय हिंद, जय भारत। हमारे आज के इसमें 68वीं डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के अंदर हमारे चीफ गेस्ट केवल प्रकाश जी, स्वामी कॉम्प्लेक्स के ओनर, और वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान संस्था के अध्यक्ष भी हैं और टीम मीडिया प्रभारी है और बीजेपी से अच्छे सुचारू कार्यकर्ता भी हैं। उनके सानिध्य में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और वो हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा बढ़ चढ़ के और तन मन धन से हमारा सहयोग करते हैं और उनके शुभकामना, उनके चरण, उनके आशीर्वाद से ही हमारा ये टूर्नामेंट सफल हो रहा है और बढ़िया से। धन्यवाद। राइफल शूटिंग की 68वीं डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में जो आज सेंट्रल एकेडमी में आयोजित हो रही है, और मुझे इस चीज का सौभाग्य भी है कि जिनने मैंने अपने जीवन में सेवा के रथ पर चढ़ने से पूर्व जिनको मैंने अपना जीवन में अग्रज माना था, हमारे डॉक्टर सुमन मिश्रा जी मैम, जो कि हम जब शुरू में एक सेवा के रथ पर चढ़ रहे थे तो उस समय हमको गाइडलाइन दी थी। मुझे आज यहाँ पर स्कूल के इस प्रांगण में आकर बहुत खुशी हो रही है कि आपके साथ में बैठने का मुझे अपने जीवन में सौभाग्य मिला है। बच्चों, जो ये राइफल शूटिंग है, मैं जानता हूं कि बहुत ही महंगा खेल है, सस्ता खेल नहीं है। इसलिए इस स्कूल के जो बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा समृद्ध हैं, वो आगे बढ़ पाते हैं। परंतु मेरी सरकार को लेटर लिखकर इस चीज के ऊपर भी बोला है, क्योंकि हम ओलंपिक तक इस गेम में आगे बढ़ चुके हैं, तो जोटा जो गांव में बैठा हुआ, जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो गांव का व्यक्ति है, जिसकी निशानेबाजी बहुत बड़ी है, उस तक ये गेम पहुंचे, तो सरकार की तरफ से जो भी मदद होती है, उन सरकार की तरफ से मदद के लिए भी मैंने निवेदन किया है कि उनको पहुंचे, उस तक यदि गेम पहुंचेगा, गांव के दूर दराज तक पहुंचेगा, तो जो ओलंपिक में आज हम लोग मेडल में थोड़ा सा पीछे रह गए ना, वहां मिरन में कभी पीछे नहीं रहे। स्कूल के बच्चों के साथ में अपने पूरे बोझ रहते हैं, सारे
कार्य रहते हैं। अजमेर के रूपनगढ़ में जमीनी विवाद के चलते कल गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी संबंध में अजमेर रेंज DIG ओम प्रकाश ने फरार आरोपियों की जानकारी देने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी जारी किया गया। अजमेर के रूपनगढ़ क्षेत्र में कल जमीनी विवाद के चलते गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 6 फरार हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस मामले में अजमेर रेंज के DIG ओम प्रकाश ने फरार आरोपियों की जानकारी देने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि SP ने भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके अतिरिक्त DIG ओम प्रकाश ने यह भी जानकारी दी कि अक्टूबर 2023 में परबत्सर क्षेत्र में BRC गैंग द्वारा इसी प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस घटना की फाइल को भी रेंज कार्यालय में मंगवाया गया है, ताकि दोनों मामलों की तुलना कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस मामले में भंवर सिनोदिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी बलवाराम चौधरी के एक रिश्तेदार का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जैसा आपको विदित है कि कल ये जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में अब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में करीब 10 लोगों को नामजद किया गया है, और उनमें से 4 व्यक्ति जो हमने दस्तियाब किए हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है, और बाकी जो बच्चे शेष अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ इनाम घोषित किया गया है, और इनाम घोषित करके जिला स्तर पे और रेंज स्तर पे 2 पे 50,000 के इनाम मेरे द्वारा डिक्लेयर किए गए, बाकी 8 पे जो है जिला स्तर पे किए गए हैं। उम्मीद है इनको जल्दी शीघ्र हम गिरफ्तार करेंगे। और कल के जो घटनाक्रम में जो एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई थी, उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया और डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। फिलहाल मौके पे शांति है, और कोशिश करेंगे जितने अभियुक्त हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करके और हम इसमें कार्रवाई करें। इन्हीं लोगों द्वारा वर्ष 2023 में थाना परबसर में जमीनी विवाद को लेकर इन्हीं में से जो मुख्य अभियुक्त हैं, इन्होंने अक्टूबर 2023 में थाना परबसर में 4 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिन प्रकरण को भी मंगा करके यहाँ देखा गया। उन प्रकरणों में भी अभी तक चालान पेश नहीं हुआ है। इसके अलावा जहाँ जहाँ जितने भी इनके खिलाफ जो प्रकरण है, जिसमें कार्रवाई की जानी है, वो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जितने भी प्रकरण लंबे समय से इनके खिलाफ पेंडिंग है, उनको केस ऑफिसर्स में लेकर के और उनको सजा कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक टोटल 4 लोगों को दस्तयाब किया गया है, और उम्मीद है शाम तक हम जो भी है, अभी मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो भी गैंग है, जिसको लोग आके जहाँ जहाँ ये रुके हैं, जिसने भी इनको अपराधियों को संरक्षण दिया है, जहाँ भी इन्होंने पानी पिए है, चाय पिए, भगाने में, रुकने में, जिसने भी सहयोग किया, वो हमारे हिसाब से सब मुलजिम है और सबको हम अरेस्ट करेंगे। अजमेर GRP थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीकानेर जेल से फरार चल रहे आरोपी द्वारा अजमेर में वंदे भारत ट्रेन से एक एप्पल मोबाइल चुराया गया था। GRP थाना पुलिस ने मोबाइल ट्रेस करते हुए आरोपी विनोद को विजयनगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से मामले में घंटा से पूछताछ कर रही है। आज GRP ने एक 302 में सजायाफ्ता मुजरिम जो बेसवाल खुला जेल है बीकानेर की, वहां से फरारशुदा मुलजिम है, उसके कब्जे से एक आईफोन बरामद किया है और उसको गिरफ्तार किया है। आरोपी चित्तौड़गढ़ GRP के प्रकरण में 302 में सजायाफ्ता है, जिसको आजीवन कारावास की सजा हो रखी है। जो बीकानेर की खुली जेल है बेसवाल, वहां से फरार हुए, 5 महीने हो गए, उसको अरेस्ट किया है और इससे एक चोरी का आईफोन बरामद किया, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपये है। कल वंदे भातरम से एक संजीव गुप्ता करके अपने फैमिली के साथ चढ़ रहा था ट्रेन पे, इसी दौरान इस मुलजिम ने उनका आईफोन चोरी कर लिया। तो संजीव गुप्ता के जो भी केयरटेकर है, वीरेंद्र आलोदिया निवासी कल्याणीपुरा अलवर गेट थाना क्षेत्र, ने रिपोर्ट दी कि भाई हमारे सेठ जी का मोबाइल चोरी गया। उस मोबाइल को मैंने उच्च अधिकारियों एवं श्रीमान एस साहब राममूर्ति जोशी जी के आदेश अनुसार मन सीओ के नेतृत्व में थानाधिकारी अलीदेव कल्ला और थाना GRP की टीम एक्टिव होकर तो ट्रैक किया, तो हमारी GRP टीम ने इस मुलजिम को विजयनगर स्टेशन पे इस मोबाइल के साथ अरेस्ट कर लिया। ये इस तरह का मुलजिम ये 302 में चाकूबाजी में इसने मर्डर किया चित्तौड़ GRP स्टेशन पे, जिसमें इसको सजा हुई है।
तो सजा के तौर पे 7 साल इसने सजा काट ली है और 5 माह और ये जेल से फरार हो गया है, जिसने अजमेर, मुंबई, जयपुर, हरिद्वार, अन्य कई जगह इसने फरारी काटी है और कई जगह ये बंद रहा है जेलों में। तो उसके बाकी इसका रिकॉर्ड भी लिया जाएगा। नीमच, मंदसौर, राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर, सालियावास, हिम्मतनगर, नाडियावास, अहमदाबाद, भीलवाड़ा आदि जेलों में ये सजा काटना इसने बताया है। अभी आरोपी का संबंधित पिपला मंडी नीमच से, मंदसौर से इसका क्राइम रिकॉर्ड लिया जाएगा और अनुसंधान जारी है। ये 5 माह से फरार चल रहा था और चोरी चकारी भी करता है, बदमाशी करता है और इसका रिकॉर्ड लिया जाएगा। संबंधित ये चोरी बाहर भी करता है, बाहर भी कर रहता है, घरों में भी जहाँ मौका लगता है वहाँ कर लेता है और शराब पीता है। अजमेर में कब से कर रहे हैं? अजमेर में अभी इसने आना बताया है कुछ दिनों से, बाकी पूरा डिटेल पूछताछ की जाएगी, कहाँ कहाँ रहा, किस शहरों में फरारी काटी है। हरिद्वार भी गया है, वहाँ भी फरारी काटी है, जोधपुर, अहमदाबाद, नीमच सब जगह ये जहाँ मौका मिलता है वहाँ फरारी काट रहा है। अभी मोटा तौर पे, प्राथमिक तौर पे चोरी करनी घरों में, चोरी करके और अपना ये शौक मौज दारू का पूरा करना बताया है और अनुसंधान से भी और कई चीजें निकलेगी जो भी अनुसंधान जारी है। ये विनोद सनोफ कैलाश काछीमाली है, पिपलिया मंडी मंदसौर एमपी का रहने वाला है, 55 वर्ष। न्यायालय में इस्तगासा के जरिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी को झांसा देकर उदयपुर बुलाकर परिवादी के चेक रख लिए और परिवादी के अकाउंट से लाखों रुपए का लेन देन कर लिया। इस संबंध में परिवादी ने साइबर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये परिवादी है, श्री अजय सिंह जी है, उन्होंने माननीय न्यायालय के मार्फत एक परिवाद दर्ज करवाया जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया। परिवाद में परिवादी ने यह बताया है कि उसकी एक कमर्शियल फर्म है और उसके पास किसी का फोन आया था और फोन पे उससे ये बताया गया कि वो ड्रीम इलेवन के पार्टनर हैं और गेम्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह वो बनाते रहते हैं। तो बोले वो परिवादी को भी उसमें उन्होंने झांसा लेकर के और उदयपुर बुलाया। उदयपुर बुलाने के बाद में उसके अकाउंट्स वगैरह की डिटेल लेने के बाद और फिर उसे अचानक ये बताया गया कि भाई आपके पुलिस की रेड पड़ने वाली है और आप यहाँ से चले जाओ। उसके चेक वगैरह भी परिवादी के आरोपीगणों द्वारा रख लिए गए थे। बाद में जब परिवादी अजमेर आया तो उसका ये दर्ज कराना है परिवाद में कि उसके उस अकाउंट से लाखों का लेन देन अभियुक्तगणों द्वारा किया गया है जिसमें परिवादी का कोई लेना देना नहीं है। तो उसने इस बाबत ये मुकदमा दर्ज करवाया। कितने रुपये का लाखों? अभी तक इसमें ये खुलासा है नहीं, अभी स्टेटमेंट वगैरह आएगा उसके बाद में देखा जाएगा क्या। फर्म कहाँ की है ये फर्म? तो इस परिवादी खुद की है। उस परिवादी की फर्म को उन्होंने किस तरीके से अपराध करने में काम में लिया है ये भी अनुसंधान का विषय है। इसमें आगे अभी जब अनुसंधान होगा स्थिति स्पष्ट होगी। अजमेर में श्री नरसिंह मंदिर के भूखंड पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने की नीयत से मंदिर के पुजारी और महंत को धमकी देने के मामले पर आज ब्राह्मण समाज और समस्त पुजारी द्वारा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुजारी ने बताया कि भू माफियाओं द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है और बाउंड्री के निर्माण के दौरान वहां कार्य करने वाले मजदूरों को भी कार्य से रोक दिया गया। मैं नरसिंह मंदिर ओलीदड़ा का ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूं, महंत भी हूं। नरसिंह लैंड फॉर लैंड में जमीन मिली है, करीब 20 प्लॉट है बीके कॉल नगर में, कोटरा रोड में पोस्ट ऑफिस के सामने। तो हम बाउंड्री वाल करा रहे थे तो हम बोले एक प्लॉट राजी से देगा 10 कर या किराए पे दे दे, नहीं तो तेरा आना भुला दूंगा। प्रकाश सिंधी, देवेंद्र सिंधी और मनोज सिंधी ये सब जान मारने की धमकी दी और प्रकाश जी भी हैं मेरे साथ, ये भी मेरे साथ, इनको भी जान से मारने की बोले इधर आना भुला देंगे, मुझे जान माल का खतरा है। इसी को वो करते हुए एसपी साहब थाने में भी परसों मैंने एप्लीकेशन दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के बाबत हमने एसपी साहब, जिला कलेक्टर महोदय के ज्ञापन और एप्लीकेशन देने के लिए आज जबरन, हाँ जबरन दादागिरी कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट देवस्थान सरकार की भूमि है, मेरी निजी भूमि तो है नहीं, मैं बेच नहीं सकता मंदिर की भूमि को। तो बोले या किराए पर दे राजी से या तो लिख दे। और हम बंडरीवाल का काम करा रहे थे तो उसमें कारीगरों को मजदूरों को भगा दिया, मेरे को भी हाथ पर तोड़ जान से मारने की धमकी दी, मुझे जान मार। ये परसों 11 बजे पुलिस में शिकायत गंज थाने में दे दी, कोई कार्रवाई परसों से अभी तक नहीं हुई। तो एसपी साहब से मिली, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि शाम तक आप कार्रवाई हो जाएगी। उचित आश्वासन? हाँ उचित आश्वासन। महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार्य, नरसिंह मंदिर ओलीदड़ा। अजमेर के अंदर
बीके कौल नगर में नरसिंह मंदिर की जो भूमि है उस पर जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा था उस पर जो कुछ लोगों ने हाथापाई की कोशिश करी और जान से मारने की महंत जी को जो धमकी दी उसको लेकर के 3 दिन पहले गंज थाने में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक उस शिकायत पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और साथ में किसी प्रकार भी पीड़ित पक्ष को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। उसको लेकर के राजस्थान ब्राह्मण महासभा और पुजारी सेवक महासंघ के शिष्टमंडल के रूप में कुछ पदाधिकारी आए हैं, अगर उन्हें सही न्याय नहीं मिला तो शीघ्र जो न्याय इसकी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। उसे हम सोच रहे हैं कि अगर एक हफ्ते तक शिकायत नहीं करी, हम इसकी शिकायत अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव जी देवनानी जी को भी करेंगे और उनको भी हम चिट्ठी लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि वो अपराधियों को बचाते हैं या पुजारी सेवक संघ। और सावित्री माता पहाड़ी के रोपवे में 9 फीट लंबा रॉयल स्नेक दिखने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत पुष्कर की संस्था टीम पुलिस मित्र को दी गई जो सांपों को बचाने का कार्य करती है। टीम इंचार्ज अमित भट्ट और स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र बच्चानी ने व मनीष कुमावत मौके पर पहुंचे। सांप को 22 फीट ऊंचाई पर एक स्थान से सावधानी पूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन कर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। माता रोपवे से एक रॉयल स्नेक का रेस्क्यू किया गया जिसकी लंबाई करीब 9 फीट है और फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि सावित्री माता रोपवे में पहाड़ी पे जो ऊपर की तरफ जो इनका ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर एक बड़े सांप को देखा गया था, जिसे देखकर यात्रियों समेत जो स्टाफ था रोपवे का उनमें दहशत व्याप्त हो गई थी। सूचना पर पुलिस मित्र टीम के स्नेक रेस्क्यू राजेंद्र बच्छानी मनीष वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में करीब 22 फीट ऊँचाई पर एक शेल्फ के अंदर उसको छुपे हुए बताने की सूचना थी, जिसे सीढ़ी की सहायता से चढ़ के और सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया और साथ ही सभी को रॉयल स्नेक के बारे में सर्प शिक्षा अभियान के तहत शिक्षित करके और जानकारी देकर इन्हें भयमुक्त भी किया गया। अमित भट्ट इंचार्ज पुलिस मित्र टीम। सावित्री माता रोपवे के ऊपर यूटीपी स्टेशन पे अपर टर्मिनल में सांप पाया गया, जिसकी सूचना हमने पुलिस टीम को दी और उस टीम में विद इन 5-7 मिनट के अंदर वो टीम आकर के सांप को रेस्क्यू कर दी। आप लोग के लिए बिल्कुल थैंक यू, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका नाम सर? और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।